हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और कुछ दिनों से नॉनवेज खा लिया, ये खा लिया, तो आज सोचा कि कुछ हल्का इजी वेज में बनाया जाए। तो आज मैं मलाई कोफ्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को यहाँ पे कर लेंगे गरम, और साथ ही में डाल दूंगी मैं उसमें तेल, और उसके बाद जीरा, और उसके बाद मोटी कटी प्याज। इसमें आपको कोई चॉपिंग कुछ जरूरत नहीं है। प्याज, अदरक, लहसुन, वाटरमेलन सीड और टूटे हुए जो काजू रहते हैं वो, और साथ ही में पानी डाल के इसे अच्छे से पकने देते हैं। और उस टाइम पे फिर मैंने क्या किया था, नाश्ते के टाइम पे सुबह मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने जो दो आलू लिए हैं वो इस पोर्शन में लिया है कि वो डेढ़ है, 1.5 जिसे हम कहते हैं, वो इतने उस साइज में लिया है कि एक छोटा एक बड़ा। तो इनको मैं अच्छे से छील लूंगी सारे आलू को, और उसके बाद जब ये छिल जाएंगे अच्छे से, और यहाँ पे प्याज व्याज भी अच्छे से पक गए हैं, तो इसे ढक्कन ढक के अलग से ठंडा होने के लगते इसका पेस्ट बना लेंगे। और तब तक हम यहाँ पे आलू को क्रश कर लेंगे, मैंने इसमें ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि पनीर को भी मैं ऐसे ही ग्रेट करूंगी, इस वजह से ही मैं आलू ग्रेट करूंगी। और ये जो मलाई कोफ्ते हैं ना, इतने सॉफ्ट बनेंगे आपके अगर आप इस प्रोसेस से बनाते हैं तो। जैसे मैं बहुत ही एकदम मलाई, जैसे मलाई कोफ्ता जो डिश का नाम है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोफ्ते सही में मलाई की बने। और साथ ही में मैंने यहाँ पे पनीर को भी ग्रेट कर लिया है, और उसके बाद इसमें डाल देंगे फ्रेशली क्रश्ड जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर वो, और उसके बाद बाकी के जो सारे मसाले। यहाँ पे मैंने क्या किया था, धनिया पत्ती और हरी मिर्च की अच्छे से चॉप कर लिया था, क्योंकि इतना बारीक तो छुरी से होगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया। बहुत अच्छे से बारीक हो गया, तो वो इसे इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे धनिया पत्ती और हरी मिर्च को मैं अच्छे से इसमें से निकाल दे रही हूँ, और फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें इसे गूंद लेना है, जैसे हम एक आटा गूंदते हैं ना, वैसे इसे गूंद लेना है अच्छे से, इसे मैश कर लेना है हमें हाथों से। और यहाँ पे ये पूरा अच्छे से मैश हो गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक, मैंने स्वाद अनुसार नमक, और नमक आप थोड़ा कम रखिए क्योंकि ग्रेवी में भी नमक रहेगा, इस वजह से इसमें थोड़ा सा नमक हमें कम ही रखना है। तो ये सब अच्छे से नमक देके मैं इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लूंगी, जैसे एक आटा का पेस्ट जैसे गूंद लेते वैसे। और फिर अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच मैदा, जो बाइंडिंग के लिए यूज हो रहा है। अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ब्रेड क्रम भी इसमें डाल सकते हैं, तो भी अच्छे से ये सॉफ्ट रहेंगे। तो क्या होगा, आपको कॉर्नफ्लावर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अगर आप ब्रेड क्रम डालते हैं, ब्रेड क्रम डालने के बाद ही आप इसे तल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको, और इसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैंने ले लिए है। वो कॉर्नफ्लावर से हम इसे रोल करेंगे, तो रोल करने से क्या होगा, कॉर्नफ्लावर से जो इसका एक सॉगीनेस है, जो पानी छोड़ता है, वो पानी नहीं छोड़ेगा। और आप जब, अगर आप आज नहीं बना रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसमें नमक ऐड नहीं कीजिए, क्योंकि नमक डालने से ही आलू और पनीर अपना पानी छोड़ देगा, और आपका जो ये है बहुत सॉगी सॉगी हो जाएगा, और तलने के टाइम पूरे टूट जाएंगे। और अगर आप इंस्टेंटली उस टाइम ही बना रहे हैं, जैसे मैं अभी बना रही हूँ, तो आप इस टाइम पे नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, ये पनीर और आलू के मिक्सचर में। तो ऐसे एक एक बॉल हम लोग बना लेंगे, और इसे रोल आउट करके रख लेंगे हम लोग कॉर्नफ्लावर में। और अगर आप ब्रेड क्रम यूज करते हैं, तो आपको कॉर्नफ्लावर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़े बहुत बन गए, तब तक मैं कढ़ाई लगा लेती हूँ तलने के लिए, और ये बाकी के आगे तले। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो मैं छन्नी से ऐसे छान ले रही हूँ, कि ज्यादा कॉर्नफ्लावर भी ना रहे और तेल में भी ना निकले। तो एक एक करके ऐसे हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे, कि मैं आधे कोफ्ते मैं बना लूंगी, ये फ्राई होते होते बाकी के कोफ्ते बन जाएंगे। और आपको हाई मीडियम फ्लेम में इसे पकाना है, क्योंकि आपके आलू बॉइल्ड है, पनीर भी क्रश किया हुआ है, तो ज्यादा कुछ पकाने की इसमें जरूरत नहीं, तो हाई मीडियम फ्लेम में रहेगा, तो ऊपर की जो कोटिंग है वो अच्छे से कोट जो है वो क्रंचीनेस उसमें आ जाएगी, जो कॉर्नफ्लावर की कोटिंग है, और ये अच्छे से इसका कलर एक ब्राउन कलर आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड आ गया है, दूसरी साइड भी हम लोग ऐसे कर देंगे इसको फ्राई, और ये अच्छे दोनों साइड से पूरी तरह से कोटिंग इसका हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और एकदम क्रंची बना है ये ऊपर से इसकी जो कोटिंग है, और आप तेल में देख सकते हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लावर का जो ये रहता है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते हमने तल लिए हैं, और अब बना लेते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए इसमें ले लेंगे एक मिक्सी, और मिक्सी में हम जो हमने वो जो प्याज अदरक लहसुन ये सब जो फ्राई किया था पकाया था इसे हम पका लेंगे। तो मैं आज व्हाइट ग्रेवी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें टमाटर का ऐड नहीं किया है। अगर आपको चाहिए कि आप पिंक कलर की रेड कलर की ग्रेवी बनाना चाहते हो तो आप टमाटर ऐड कीजिए, हल्दी ऐड कीजिए, लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस यहाँ पे पेस्ट हो गया है, और इसके बाद कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, तेल दिया है, और वो काजू प्याज इन सबका पेस्ट दे के नमक ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लेते हैं, इसे पकने देते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर लिया है, तो इसे अच्छे से पकने देते हैं। और अब ये जब थोड़ा सा पक जाए तो इसमें मैंने ऐड कर ली है दही। दही देकर ही आपने एकदम अच्छे से इसे हिलाते रहना है, क्योंकि जब तक ये इसमें उबाल ना आ जाए तब तक आपने इसे फेंटते ही रहना है, नहीं तो दही पूरी फट जाएगी इस वजह से। अब इसे थोड़ा ढक्कन ढक के रख देते हैं, दही को थोड़ा पकने देते हैं, और एक कोफ्ते का जो मलाई कोफ्ता है इसका एक मसाला रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो इसमें कोई मसाला ऐड नहीं हो रहा है। तो इसमें मैंने दे दिया है दालचीनी, इलायची, सौंफ, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च, गरम मसाला यही हम ऐड करेंगे। इसे हम मैंने सेक लिया है, सेक के मैं इसे अब सिलबट्टे पे पाउडर कर लूंगी, आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। और फिर जब यहाँ पे दही अच्छे से पक जाए तो इसमें हम ऐड कर लेंगे चीनी। चीनी मैंने थोड़ा सा, ये ग्रेवी थोड़ा सा मीठा रहता है इसलिए मैंने चीनी थोड़ा ज्यादा दिया है, 2 टेबलस्पून के अराउंड। और अब इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने के लिए, और साथ ही में मलाई। आप मलाई भी जब ऐड करेंगे दही की तरह आपने इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक, नहीं तो आपकी मलाई भी फट जाएगी। तो बस ये ग्रेवी को अब हम ढक के रखते हैं, इसे थोड़ा पकने देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी जितनी हमें जैसी चाहिए, जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए उतनी कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें। और अब ये जो गरम मसाला था जो मैंने सेखा था जो मसाला है, वो थोड़ा सा मसाला मैं इसमें ऐड कर लूंगी, बाकी मसाला जब हम कोफ्ते ऐड करेंगे तब उसके ऊपर से हम ऐड कर लेंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, यहाँ पे सब कुछ रेडी है और अब इसे प्लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोफ्ते रेडी, यहाँ पर कोफ्ते रेडी है, तो अब कोफ्तों को हम यहाँ पे सर्व कर लेंगे। और कभी भी कोफ्ते ग्रेवी में नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर ग्रेवी में डालेंगे वो सौगी हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो जब भी आप किसी को सर्व करते हैं गरम गरम कोफ्ते सर्व कीजिए और उसके ऊपर ग्रेवी डाल दीजिए। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आप लोगों से मैं अलग नई रेसिपी लेके मिलूंगी। और फिर अब मैं एंजॉय कर लेती हूँ अपने मलाई कोफ्ते आज गरम गरम फुलकों के साथ।